हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक और नया क्यूज लेके आऊँ। इस क्यूज को कंप्लीट करने के बाद में जिनका भी स्कोर 30% से ऊपर रहेगा उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विद इन 2 मिनट के अंदर अपने मेल आई डी पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको 2 मिनट के अंदर नहीं मिलता है तो आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। अगर आप क्यूज के आंसर्स देख के क्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आंसर देख के कर सकते हैं, और आपको बिना आंसर देख के क्यूज सॉल्व करना है तो बिना आंसर देख के भी आप कर सकते हैं। क्यूज मैंने पहले ही अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको क्यूज के आंसर्स बता देता हूँ। क्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्यूज के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। इस क्यूज का नाम है ई क्यूज ऑन बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर रोवर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है, पैराम्बलर, ठीक है। तो इस फॉरम में जो भी आपकी बेसिक डिटेल्स है वो सारी बेसिक डिटेल्स आपको अच्छे से फिल कर देना है। ईमेल एड्रेस, कॉलेज नेम, फुल नेम विद दी ऑनरोफिक लाइक डॉक्टर मिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अपना फुल नेम, वो फुल नेम यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका क्यूज स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको क्यूज के आंसर बता देता हूँ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, ठीक है। मैक्सिमम वर्क इज डन इन कंप्रेजिंग एयर व्हेन द कंप्रेशन इज, ठीक है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 17 जो क्वेश्चन होगा आपका उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 4 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स, सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 क्वेश्चन, ठीक है। मर्करी डज नॉट वेट ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज, ठीक है। तो 7 जो क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, सिलेंडर क्लियरनेस इज ए कंप्रेसर शुड बी, ठीक है। 19 क्वेश्चन जो होगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, ठीक है। 1 मीटर ऑफ एयर एटमोसफियर कंडीशन वेटेज अप्रोक्सीमेटली, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, ठीक है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज टेक्स प्लेस बाय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन पुले ड्राइव इन द लेथ मशीन, ठीक है। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड एचपी एंड ब्रेक एचपी इज नॉन एज, ठीक है। 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, ठीक है ना। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, ठीक है। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा एयर, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, ठीक है। 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 क्वेश्चन जो भी होगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट इलास्टिक, 3 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्टील, ठीक है। स्टील यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 3rd क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, ठीक है। 23, विच गियर्स आर यूज टू कनेक्ट टू इंटरेस्टिंग शाफ्ट एक्सेस, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
24, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 24, 24 का राइट आंसर होगा आपका नन ऑफ दी अबव, ठीक है। जैसे आपका क्यूज कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्यूज को सबमिट कर देना है, क्यूज सबमिट करने के बाद में जिनका भी स्कोर 30% से अबव रहेगा उन सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट विद इन 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा सभी को, और अगर आपको 2 मिनट के अंदर नहीं मिलता है तो आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। इस क्यूज को कंप्लीट करने के बाद में जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्यूज पसंद आया और अगर आप सभी को सर्टिफिकेट मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।